तो वहीं कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है संदीप घोष से। आज भी पूछताछ, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सीबीआई दफ्तर पहुंचे। संदीप घोष से लगातार चौथे दिन सीबीआई की पूछताछ। संदीप घोष से 3 दिन में करीब 40 घंटे पूछताछ हुई। अब तक पूर्व प्रिंसिपल घोष से 100 सवाल पूछे गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको बता दें कि कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद अब लगातार जांच की जा रही है। सीबीआई हर एक पहलू को ध्यान में रखकर तहकीकात कर रही है। ऐसे में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ लगातार जारी है। अब तक की बात की जाए तो संदीप घोष से 100 सवाल पूछे जा चुके हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। संदीप घोष से लगातार पूछताछ की जा रही है, आज भी पूछताछ होगी। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सीबीआई दफ्तर पहुंचे, जहां पर उनसे पूछताछ हो रही है। संदीप घोष से लगातार चौथे दिन भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। तो कोलकाता रेप मर्डर केस का पूरा मामला है, इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। संदीप घोष से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है, चौथे दिन भी पूछताछ कर रही है। और अब तक की बात की जाए तो अब तक 100 सवाल संदीप घोष से पूछे हुए हैं। हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए सीबीआई जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें रेप की पुष्टि भी हो चुकी है।